हेलो दोस्तों, नमस्कार। ओमी टेक्निकल यूट्यूब चैनल के माध्यम से समस्त ईपीएस 95 पेंशनर्स भाई बंधु आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एनएसई के टीम के द्वारा ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। हालांकि मैं बता दूं कि भाई कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताया था कि ईपीएस 95 पेंशनर्स जो उनके उच्च पेंशन के लिए एनएसई की टीम पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है कि ईपीएस 95 पेंशनर्स को उच्च पेंशन दिलाना है। 7,500 रुपए जो ईपीएस 95 पेंशनर्स का हक है वो ईपीएस 95 पेंशनर्स तक पहुंचाना है। अब पहुंचाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम उठाने को तैयार हो चुकी है एनएसई की टीम, यानी कि दिल्ली। उधर मैं आपको बता दूं कि संयुक्त भारत पक्ष की तरफ से भी सुनने में आया है वो भी दिल्ली जाने को तैयार है। यानी कि एक ही टाइम में अगर संयुक्त भारत पक्ष और एनएसई की टीम अगर दिल्ली जाती है तो ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए एक बड़ी खबर होगी, बड़ी अपडेट होगी और बड़ी खुशखबरी की बात होगी कि एक ही टाइम में दोनों टीमें एक ही साथ में दिल्ली में आंदोलन करती है तो बहुत बड़ी बात होगी। इसी बात को लेकर मैं यहाँ पे बात बता दूं कि अभी हाल ही में एनएसई के टीम के द्वारा जो उत्तर प्रदेश की तरफ से बड़ी मीटिंग, बड़ा सभा का आयोजन किया गया था, उस आयोजन में ईपीएस 95 पेंशनर्स के उच्च पेंशन के लिए शिवम शंकर तिवारी जी ने एक बड़ी बात कही है। उन्होंने इस बात को बताया है कि जैसे ही माननीय कमांडर साहब, जो माननीय अशोक रावत जी हैं, कमांडर साहब हैं, उनके माध्यम से ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए दिल्ली कब जाना है यह समय, और जो तो समय को अच्छी तरीके से देख के जांच पड़ताल के इसके बाद वो समय डिसाइड किया जाएगा, और जैसे ही समय मालूम पड़ जाएगा ठीक उसी समय ईपीएस 95 पेंशनर्स के उच्च पेंशन के लिए दिल्ली में आंदोलन किया जाएगा और दिल्ली में एनएसई की टीम जाएगी। अगर दिल्ली एनएसई की टीम जाती है तो यकीन माने संयुक्त भारत पक्ष की टीम भी जाएगी, तो ईपीएस 95 पेंशनर्स के जो उच्च पेंशन की राशि होगी वो मिलकर ही आएगा। और एनएसई की टीम यह बड़ा मंच है, बहुत बड़ी टीम है एनएसई की टीम, तो अगर एनएसई की टीम इतने बड़े मंच के साथ में दिल्ली जाती है तो ईपीएस 95 पेंशनर्स के उच्च पेंशन वहाँ से मिलना तय हो जाएगा। बाकी दोस्तों आपके ऊपर है, आपको यह जानकारी हो, आपको ये वीडियो कैसा लगा वो हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और साथ ही साथ अगर ईपीएस 95 पेंशनर्स से संबंधित जानकारी आपको जानना है और चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखें तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। ये मैं बार बार आपको बोलता हूँ लेकिन आप लोग भूल जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो भूलने से पहले मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करना है लाल वाली बटन को दबा के। तो लाल वाली बटन को दबा के अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो वीडियो को भी शेयर कर दें आगे। तो दोस्तों आज की जो जानकारी थी आपको कैसी लगी तो इससे कमेंट में जरूर हमें बताएं। बाकी दोस्तों मिलते हैं किसी नए वीडियो में और नए अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।